हेलो फ्रेंड दोस्तों, सीरियल मेहंदी है रश्मि वाली में राघव एक और प्यारा सा सरप्राइज पल्लवी को देने वाला है, जो होगा उसका प्यारा सा साड़ी का शोरूम। अब राघव ने वादा तो कर दिया है पल्लवी से कि वो उसकी सारी खुशियां जो कि राघव की वजह से छिन गई हैं वो उसे वापस जरूर लौटाएगा, और एक ऐसा सरप्राइज प्लान करेगा कि उसकी शॉप भी उसे देगा, और साथ में शॉप तो उसे दे चुका, शोरूम में उसकी शॉप होगी, हर शोरूम में उसकी शॉप होगी और शोरूम ही पूरा उसका होगा। और पल्लवी को उसका पूरा रास्ता दिखा देता है कि वो किस तरह से इस शोरूम को अपना बना सकती है, क्योंकि वो बहुत ही स्वाभिमानी लड़की है, तो वो ऐसा तो कभी नहीं करेगी कि राघव ने उसे की दी और वो ले लेगी। तो वो उसे रास्ता दिखाएगा कि किस तरह से ये शोरूम भी उसका हो सकता है और ये शॉप भी उसकी हो सकती है। तो पल्लवी से पूरा और वो बिजनेस वुमेन बना देगा और उसे वो साड़ी का शोरूम भी उसे दिला देगा, और साथ में ही अब पल्लवी एक नए किरदार में नजर आने वाली है। तो दूसरी तरफ राघव कोशिश कर ही रहा है कि उसका परिवार पूरी तरह से पल्लवी को अपना ले और उसकी गलतियों की सजा उसे ना दे, और पल्लवी ने कुछ भी गलत नहीं किया है घर वालों को समझाने की कोशिश में वो वहां पर जाता है, लेकिन परिवार वाले उसे रूठ कर चले जाते हैं वहां से अपने घर, और राघव बेचारा देखते ही रह जाता है। लेकिन राघव इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा और उसके परिवार के पीछे पीछे चला जाएगा और पल्लवी को उसकी खुशियां जरूर लौटाएगा। वहीं चुपकर से पल्लवी की माँ अब राघव की भी मदद करते हुए नजर आएगी, तो कहीं ना कहीं उसे लगता है कि पल्लवी और राघव ने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन वो अब उस बाबा से डर कर यहाँ पर चुपकर राघव की मदद करेगी, और साथ में ही पल्लवी और राघव के रिश्ते को भी अपना लेगी, और चुपके से पल्लवी को कॉल करके बताएगी कि वो उसे रिश्ते से अब खुश है और अब उसे माफ़ भी कर देती है, और पल्लवी एक खुशी तो उसे मिल जाती है, साथ में बड़ा शोरूम जिसकी अब पल्लवी का नाम होने वाला है।